लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मैं तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत ही चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा और मैं तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत ही चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। एक नया प्रयास आप सभी के लिए, कम समय में सटीक तैयारी दोस्तों आप सभी के सामने है। देखिए, अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे सह लेना, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं गुजरना चाहिए। इतनी मेहनत करनी दोस्तों आप सभी को कि इस बार आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, और यह दोस्तों जो नया प्रयास है वो आपकी मंजिल तक पहुंचने में सहायक साबित होगा। पूरी वीडियो को ढंग से, हर सेकेंड को ढंग से सुनिएगा दोस्तों, का सवाल आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। आइए आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर आप सभी के सामने जो है कि खेल संबंधी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका निचोड़ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। कम समय में सटीक तैयारी, यही हमारा ध्येय वाक्य होने वाला है। शुरुआत करते हैं आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों। इसका जो विनर है वो भारत रहा, और दोस्तों पूछूं आपसे, उप विजेता जो है इंग्लैंड को हराकर जो है भारत ने जीता था आपके अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2022 है। महिला वाला दोस्तों अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, तो आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप T20 जो वर्ल्ड कप है ये 2023 में अभी हुआ, पहली बार हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ है और भारत इसको जीता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंग्लैंड को हरा के भारत जीता है। दोनों का विनर भारत है, दोनों का दोस्तों उपविजेता इंग्लैंड रहा। पर ध्यान रखना, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। आईपीएल 2022 दोस्तों 15वां संस्करण था ये इसका, 10 टीमों ने दोस्तों भाग लिया था। लखनऊ गुजरात दो नई टीम थी, गुजरात दोस्तों लॉयंस इसको जीता था, राजस्थान रॉयल्स को हरा के जीता था। अगर पूछो दोस्तों आपसे, पर्पल दोस्तों कैप किसको मिला, जितेंद्र चहल को मिला दोस्तों। और अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों ऑरेंज कैप किसको मिला, जोस बटलर को ऑरेंज कैप दिया गया। ये दो नाम दोस्तों और ध्यान रखिएगा, सैम करन दोस्तों ये आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और पंजाब किंग दोस्तों 11 ने इन्होंने इनको खरीदा है। और स्मृति दोस्तों मंदाना अभी दोस्तों हाल ही में जो महिला प्रीमियर लीग शुरू हुई है उसमें दोस्तों 3.4 करोड़ के साथ में सबसे दोस्तों महंगी खिलाड़ी कौन है, वो स्मृति मंदाना साबित हुई है। ये भी दोस्तों आपको बताना है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है उसने खरीदा है। कुल मिलाकर दोस्तों 5 टीमें इस बार भाग ले रही हैं। आगे देखिए, आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ है। इंग्लैंड जीता इसको, पाकिस्तान नल्ला को हरा के इंग्लैंड जीत गया आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। इसके बाद में विजय हजारे दोस्तों ट्रॉफी जो है सौराष्ट्र इसका विजेता, क्रिकेट से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी जो है ये सब क्रिकेट से संबंधित है। अगर दोस्तों नाम पूछूं, ऋतुराज दोस्तों गायकवाड़ जो है एक ओवर में 7 छक्के लगाने का जो रिकॉर्ड है वो इनके नाम है। ईशान दोस्तों किशन, ध्यान के दोस्तों आपके दोहरा शतक तो डबल सेंचुरी दोस्तों लगाने वाले खिलाड़ी कौन, ईशान दोस्तों किशन थे आपके, और सबसे तेज दोस्तों इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है दोस्तों। और सबसे दोस्तों युवा पूछूं आपसे, वो ध्यान रखिएगा सुमन गिल, आपको ध्यान रखना है। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2022 जो है नीदरलैंड दोस्तों इसका विजेता रहा था और अर्जेंटीना दोस्तों इसका उपविजेता रहा। अभी हाल ही में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 दोस्तों 15वां संस्करण जो आयोजित होता है इंडिया के अंदर दोस्तों आयोजन होता है इसका। इंडिया में ओडिशा के अंदर राउरकेला और दोस्तों जाना आपके भुवनेश्वर में बिरसा मुंडा स्टेडियम, आपको ध्यान रखना है। जर्मनी दोस्तों इसका विजेता रहा था और बेल्जियम को हरा के जर्मनी ने यह खिताब जो है जीता। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जाना, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप अभी हुआ है दोस्तों, जर्मनी विजेता और बेल्जियम, ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों
उप विजेता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 पूछूं आपसे, बेलग्रेड सर्बिया दोस्तों आयोजन होता है इसका, और अमेरिका दोस्तों पहले स्थान पर अमेरिका रहा था। इंडिया की तरफ से दोस्तों विनेश फोगाट ने और बजरंग दोस्तों पूनिया ने, दोनों ने कांस्य पदक जो है इसमें जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है, यह भी जरूर दोस्तों रखना। बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां होती है, कुश्ती दोस्तों चैंपियनशिप कहां पर हुई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों बेलग्रेड सर्बिया के अंदर होती है। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 दोस्तों चेन्नई में हुआ था, थम्बी इसका शुभंकर था। उज्बेकिस्तान दोस्तों ओवरऑल नंबर से पहले स्थान पर था। थॉमस कप दोस्तों पूछूं आपसे, बैडमिंटन दोस्तों 2022 जो है वो भारत इसका विजेता बना, पहली बार दोस्तों जीता है आपके, इंडोनेशिया को हरा के दोस्तों भारत जो है जीत गया। अगर दोस्तों उबेर कप की बात करो दोस्तों आपसे, उबेर कप जो है साउथ कोरिया इसका विजेता रहा है और चाइना को हरा के दोस्तों जीता है। दोनों ही कप किसके दोस्तों, बैडमिंटन के टूर्नामेंट है ये दोस्तों, अभी हाल ही का अपडेट है। स्विस ओपन दोस्तों 2022 और सैयद दोस्तों मोदी टूर्नामेंट जो है पीवी सिंधु इसकी विजेता रही है, आपको ध्यान रखना है। ये अभी दोस्तों हाल ही में आयोजित हुआ है ऑल इंडिया ओपन दोस्तों बैडमिंटन है 2023 की बात करो दोस्तों, इसी को योनेक्स कहते। देखो 2022 में दोस्तों मैंने आपको बताया था इंडिया वाला कौन जीता दोस्तों, आपके लक्ष्य सेन दोस्तों इंडिया वाला विनर रहा था। 23 की दोस्तों बात करूं आपसे, कुनलावुत दोस्तों छापना, कुनलावुत थाईलैंड के हैं दोस्तों, मेल के विनर है। अगर दोस्तों पूछे फीमेल में, एक सी यांग दोस्तों छापना, ये साउथ कोरिया की फीमेल के अंदर, नोट करना आपके, थाईलैंड के कुनलावुत दोस्तों मेल में विनर है और फीमेल दोस्तों नोट करना आपके, एक सी यांग दोस्तों साउथ कोरिया के फीमेल में, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। आगे देखिएगा दोस्तों, संतोष ट्रॉफी 2022 है, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो गया दोस्तों, 75वें नंबर का केरल में आयोजित होता है, केरल दोस्तों इसका विनर होता है, पश्चिम बंगाल को हरा के केरल ने इसको जीत लिया। अगर उसको पूछा था डूरन दोस्तों कब पूछो, 131वें नंबर का है, कोलकाता में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, बंगलुरु इसका विनर रहा और मुंबई को हरा के दोस्तों बंगलुरु इसको जीत गया। अगर बात करें फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडिया में इसका आयोजन हुआ है। इंडिया में दोस्तों कहां कहां पर हुआ, भुवनेश्वर, नवी मुंबई, गोवा दोस्तों, यहां पर इसका आयोजन हुआ है। ईवा इसका शुभंकर था, स्पेन दोस्तों इसका विनर था और कोलंबिया को हरा के स्पेन ने जीत लिया। आगे देखिएगा फीफा पुरुष वर्ल्ड कप 2022 जो है दोस्तों, अगर पूछो तो 22वें नंबर का है, कतर दोहा में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, लाइव दोस्तों इसका शुभंकर हो गया, 32 टोटल दोस्तों इसमें टीमें खेलती है, नाउ इज ऑल दोस्तों इसका स्लोगन है, अल रहेला दोस्तों आपके, इसमें फुटबॉल का नाम क्या है, अल रहेला है। कंपनी कौन सी दोस्तों, एडिडास कंपनी हो गई। दीपिका दोस्तों पादुकोण था दोस्तों, अगर पूछो इस ट्रॉफी का अनावरण करने वाली पहली ग्लोबल दोस्तों स्टार कौन है, वो दीपिका पादुकोण थी। और भारत की तरफ से दोस्तों जब शुरुआत इसकी हुई थी तो कौन दोस्तों भारत से गए थे, जगदीप धनखड़ दोस्तों जो कि उपराष्ट्रपति है भारत के, उन्होंने इसमें भाग लिया है। अर्जेंटीना दोस्तों इसका विनर रहा, ध्यान रखिए फ्रांस को हरा के अर्जेंटीना जीता है, तीन बार दोस्तों जीत चुका है, 1978, 1986 और 2022। अगर पूछो दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, अर्जेंटीना के दोस्तों कप्तान जो है लियोनेल मेसी, इनको गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। अगर दोस्तों पूछे आपसे गोल्डन दोस्तों बूट का अवार्ड, सर्वाधिक गोल करने के लिए 8 गोल किसने किए दोस्तों, किलियन एम्बापे ने किए, और फ्रांस के खिलाड़ी कौन है, किलियन दोस्तों एम्बापे। अगर पूछो दोस्तों आपसे अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप कहां दोस्तों होने वाला है, तो 26 में दोस्तों नोट करना, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको दोस्तों 2026 के अंदर यहां पर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे टेनिस की दोस्तों बात करूं, मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है लेटेस्ट अपडेट करते हुए हर सब्जेक्ट, हर दोस्तों आपके हर प्रकार के खेल को शामिल करने की। देखिए टेनिस दोस्तों पूछूं आपसे, ग्रैंड स्लैम दोस्तों 4 होते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है, फिर फ्रेंच होता है दोस्तों, फिर विंबलडन होता है और अंत अमेरिकन ओपन पे होता है। देखिए दोस्तों विंबलडन 2022 दोस्तों पूछूं आपसे, नोवाक जोकोविक सर्बिया के रहने वाले दोस्तों और रेबेकिना कजाकिस्तान की, पहली दोस्तों एशिया की महिला है। अगर पूछे दोस्तों अमेरिकन जो ओपन था पिछले साल दोस्तों जो आयोजित हुआ है, कार्लोस अलकराज स्पेन के रहने वाले पुरुष में दोस्तों विजेता रहे और इको सारी दोस्तों आपके पोलैंड की रहने वाली है, ये फीमेल के अंदर विजेता। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 दोस्तों आयोजित किया गया, नोट करना, स्टार लगा लेना दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की दोस्तों बात करूं आपसे, पुरुष में वही दोस्तों नोवाक जोकोविक विजेता दोस्तों, 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। अगर पूछे कहां के, सर्बिया के रहने वाले, और महिला में दोस्तों छापना, बेलारूस की आर्यन सबलेंका दोस्तों ये महिला में इस बार विनर है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 दोस्तों पूछूं आपसे, नोट करना, नोवाक जोकोविक पुरुष के अंदर है और फीमेल दोस्तों आर्यन सबलेंका जो है बेलारूस की फीमेल के अंदर है। रोजर
दोस्तों फेडरर, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया स्विट्जरलैंड के दोस्तों खिलाड़ी है। एसले दोस्तों बार्टी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया। सानिया दोस्तों मिर्जा संन्यास की घोषणा कर चुकी है, भारत की दोस्तों टेनिस की फेमस खिलाड़ी है। इन तीनों का संबंध टेनिस से। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है अमेरिका में इसका आयोजन हुआ दोस्तों, एंडरसन ने इसमें गोल्ड जीता दोस्तों, और अगर पूछे नीरज दोस्तों चोपड़ा जो है इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल जीत लिया। डायमंड लीग दोस्तों कुर्तानी लीग, इसमें ध्यान रखना आपके नीरज चोपड़ा दोस्तों आपके गोल्ड मेडल जीता है, और कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया। विश्व दोस्तों बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों पूछूं आपसे, कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों कहां पर होती है, वो भाई साहब दोस्तों हुई थी आपके कहां पर दोस्तों, आपके सर्बिया बेलग्रेड के अंदर। एथलेटिक्स दोस्तों चैंपियनशिप कहां पर होती है, अमेरिका के अंदर। और अगर दोस्तों पूछे आपसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पर होती है, तो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 जो है वो दोस्तों आपके तुर्की इस्तांबुल में होती है, और निखत जरीन दोस्तों जीतने वाली इसको पांचवी भारतीय महिला बन जाती है। अगर पूछे आपसे अगला वाला दोस्तों जो महिला आपके बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगी उसका आयोजन इंडिया के अंदर 2023 इस वर्ष में होने वाला है। आगे देखिए खेलो इंडिया गेम्स, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, एक गेम्स होते हैं यूथ गेम्स, एक गेम्स होता है यूनिवर्सिटी गेम्स। अगर पूछो दोस्तों आपसे 2022 में चौथे नंबर वाला कहां हुआ था, पंचकुला हरियाणा में हुआ था, और पहला स्थान इसमें हरियाणा का था। अगर पूछो दोस्तों आपसे अगला जो है जो अभी दोस्तों हुआ है कुछ दिनों पहले 2023 के अंदर मध्य प्रदेश दोस्तों भोपाल में, और महाराष्ट्र पहले स्थान पर, हरियाणा सेकंड स्थान पर, और मध्य प्रदेश जो मेजबान था वो इसमें थर्ड स्थान पर है, इसलिए मैंने तीन नाम इसके अंदर नोट करे। अगर पूछे आपसे यूनिवर्सिटी दोस्तों जो गेम्स है वो 22 के अंदर सेकंड बंगलुरु में होते हैं, और 23 में दोस्तों थर्ड जो नंबर के हैं उनका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण दोस्तों ओलंपिक खेल जो है इनकी शुरुआत जोधपुर से होती है दोस्तों। अगर पूछूं आपसे कितने खेल शामिल इसमें, 6 खेल शामिल है, कबड्डी है, शूटिंग बॉल है, खो खो है दोस्तों, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, और हॉकी है, ये 6 खेल इसके अंदर शामिल किए गए। अगर पूछे राष्ट्रीय खेल दोस्तों 36वें नंबर के इस बार होते हैं, गुजरात के 6 शहरों में दोस्तों आयोजन होता है, अहमदाबाद से प्रधानमंत्री इसको शुरू करते हैं, सावध इसका शुभंकर ध्यान रखिए दोस्तों। अगर पूछे दोस्तों सावध शुभंकर हो गया, कौन दोस्तों इसमें विनर बना, पहला दोस्तों स्थान इसमें सर्विसेज का है, 61 गोल्ड उन्होंने जीते थे, आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ दोस्तों राज्य का अवार्ड महाराष्ट्र को मिला है, और योगासन दोस्तों इस बार ही शामिल हुआ था, पूजा जो पटेल है वो योगासन के अंदर शामिल है। अगला दोस्तों पूछे आपसे कौन से नंबर का, 37 नंबर का, गोवा के अंदर आयोजित किया जाएगा। आगे देखिएगा प्रो कबड्डी लीग 209 जो छापना दोस्तों, नवा जो संस्करण था, जयपुर पिंक पैंथर दोस्तों जीता इसको, पुनेरी पल्टन को हरा कर जीता। कुछ दोस्तों भविष्य के खेल आपके सामने है, 24वें ओलंपिक दोस्तों कहां पर होगा, ये पेरिस के अंदर होगा, 33वें नंबर का आयोजित होगा, 32वां दोस्तों टोक्यो के अंदर हुआ था, जिसमें दोस्तों भारत जो है भारत दोस्तों आपके 48वें स्थान पर था, 1-2 का 4, 1 गोल्ड 2 सिल्वर, 4 दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल थे। अगर पूछे 2023 दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है भारत के अंदर दोस्तों आयोजित होने वाला है, 2026 का दोस्तों कॉमनवेल्थ जो गेम्स है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला दोस्तों 23वें नंबर का, और 28वें दोस्तों ओलंपिक जो है 34वें नंबर का वो आपके लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित होगा। अगर उसमें बात करूं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दोस्तों ये 22वें नंबर का था, बर्मिंगम में इंग्लैंड में दोस्तों इसका आयोजन होता है, गेम्स फॉर ऑल ये दोस्तों आदर्श वाक्य इसका, पैरी दबुल इसका शुभंकर ध्यान रखिएगा। दोस्तों 13 खिलाड़ी दोस्तों भारत की तरफ से भाग लेते हैं, नीरज चोपड़ा ने इसमें भाग नहीं लिया, 15 खेलों के अंदर दोस्तों 13 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अगर दोस्तों पूछूं उद्घाटन जो कार्यक्रम था कौन उसमें दोस्तों ध्वजवाहक था, मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु दोस्तों आपके उद्घाटन कार्यक्रम के अंदर ध्वजवाहक थे। अगर दोस्तों पूछूं आपसे समापन दोस्तों जो कार्यक्रम है उसमें शरत कमल टेबल टेनिस दोस्तों नोट करना आपके, और निखत जरीन दोस्तों बॉक्सिंग जो है ये समापन कार्यक्रम के अंदर ध्वजवाहक थे। अगर पूछे पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया 178 पदक दोस्तों, फोर्थ स्थान इसमें इंडिया का था, 22 गोल्ड 16 सिल्वर 31 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर दोस्तों 61 पदक जो है वो इंडिया ने जीत लिए। मीराबाई दोस्तों चानू चंद्र पहला दोस्तों गोल्ड पूछो किसने जीता आपके, मीराबाई चानू दोस्तों नोट करना पहला गोल्ड मेडल जीता है 49 किलोग्राम दोस्तों कैटेगरी जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर। अगर पूछे पहला पदक दोस्तों जीतने वाले कौन थे, संकेत सागर दोस्तों ध्यान आपके पहला पदक जीतने वाले थे, पर इन्होंने सिल्वर दोस्तों मेडल जीता है, और वेट लिफ्टिंग दोस्तों इसके अंदर जीता आपके संकेत सागर ने, लेकिन सिल्वर मेडल पहला दोस्तों गोल्ड जीतने वाली कौन, मीराबाई चानू, आपको ध्यान रखना है। महिला दोस्तों क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ था, और भारत दोस्तों इसमें सिल्वर मेडल जीता, हरमनप्रीत कौर कप्तान होती है,
ऑस्ट्रेलिया इसमें गोल्ड जीतता है। लॉन बॉल्स में दोस्तों भारत की टीम पहली बार दोस्तों गोल्ड जीत कर लाती है, साउथ अफ्रीका को हरा के दोस्तों भारत की महिला जो है वो इसमें दोस्तों गोल्ड जीत कर लाए। सबसे दोस्तों अधिक पदक जो है शरत कमल ने जीते, इसलिए शरत कमल दोस्तों याद कीजिए दोस्तों इस बार का दोस्तों आपके जो राजीव गांधी दोस्तों आपके जो वर्तमान दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है वो अभी दोस्तों हाल ही में किसको मिला है, शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो उससे सम्मानित किया गया। ये कुछ दोस्तों मैंने आपके सामने जितने भी दोस्तों खेल आयोजित किए गए थे 22 या 23 के शुरुआत में वो सभी मैंने आपको दोस्तों पढ़ाने की, क्रिकेट हो, टेनिस हो, हॉकी हो, बॉक्सिंग हो दोस्तों आपके, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो या कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय खेल फीफा वर्ल्ड कप, ये सभी निचोड़ जो है आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये लाइन दोस्तों केवल आप सभी के लिए, आप सभी का सिलेक्शन ही मेरी मेहनत के साथ न्याय कर सकता है या फिर न्याय कर सकती है दोस्तों। आपका जो सिलेक्शन है वही दोस्तों मेरी मेहनत के साथ में क्या है, वही दोस्तों आपके न्याय कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि दोस्तों मेरी मेहनत के साथ में न्याय हो, जो मैं पसीना आप सभी के लिए दोस्तों बहा रहा हूं लगातार, उस पसीने का दोस्तों रिजल्ट सामने आए। बस आप तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं करंट अफेयर्स जो है वो आपको मैं यहीं पर कॉन्फिडेंस के साथ में याद करवाने की गारंटी देता हूं। कम समय में सटीक तैयारी आपको कैसी लगी मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा। और दोस्तों मेरी जो आपके क्लास के जो सोर्स होते हैं वो दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स वाली जो वार्षिकांक है अपनी, वही दोस्तों इसका सोर्स होता है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। बताना दोस्तों मुझे आप सभी लोग ये करंट अफेयर्स जो है कम समय में सटीक तैयारी जो है आपको कैसी लगी, ये आपको बताना है।